हो गया, राजनीतिक तौर पर आप किस कैसी अपेक्षाएं उनसे रखते हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध है। देख, कई बार क्या होता है कि राजनीति अपनी जगह है और व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं बीमार था, वो मुझे देखने भी आए थे, मैं उनके शपथ ग्रहण में, राज्यपाल के शपथ ग्रहण में भी गया था। और मेरे आज से नहीं, मैं सोचता हूँ कि 77 से जब मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ता था, तब से मेरे कोश्यारी जी से संबंध है। वो अच्छे आदमी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको सब मालूम है कि इस्तीफे के पीछे और उस सब के पीछे जो पिछले एक साल के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति में जो कहानी हुई है, चाहे शिवाजी को लेकर हो, चाहे कहीं ना कहीं हो, कहीं ना कहीं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी, शिवसेना के जो तथाकथित शिवसेना जो सरकार में है, उन सब लोगों का भी दबाव रहा होगा केंद्र सरकार पर कि भाई अब देखिए उत्तराखंड में मैं सोचता हूँ कि वो आएंगे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब पता नहीं। देखो, उनका शिष्य है, उनका छोटा शिष्य कहूँगा मैं, छोटा भाई तो नहीं कहूँगा, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी जी, अब हमें तो सहजता है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम तो व्यक्तिगत रूप से मिलते जुलते रहेंगे उनसे। लेकिन अब धामी जी को कितना अच्छा लगेगा, कितना ख़राब लगेगा, ये तो समय बताएगा। दिक्कतें होने वाली हैं धामी जी को। अब मुझ मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन समय बताएगा इसे।